दोस्तों, खट्टा मीठा चेरी का स्वाद किसे ना पसंद है। अगर वो चेरी हम घर में उगा सके तो इस वीडियो में एक साल के कम में चेरी उगाने के लिए जो जो चाहिए उसका तरीका डिटेल्स में समझाऊंगा, उसका सॉइल फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। मैं हूं अयन फ्रॉम बॉन्साई ट्रिक्स एंड अ लॉट मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये एक चेरी का प्लांट है जो मैं नर्सरी से खरीद कर लाया। ये बारबाडोस वैरायटी का चेरी प्लांट है। ये तो पहले उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब बहुत ही पॉपुलर होने लगा और कोई भी नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नर्सरी में ये नहीं मिला तो आप आसानी से इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इस चेरी को उगाने के लिए आपको बहुत ही वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप लीजिए 1 part गार्डन सॉइल। इसके लिए कोई भी मिट्टी चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें ताकि ऑर्गेनिक सॉइल मिक्स ले सके। और इसके लिए चाहिए रिवर सैंड, इसको भी 1 part लीजिए। ये मिट्टी को वेल ड्रेनिंग बनाता है। और उसके साथ आप ऐड कर दीजिए कॉम्पोस्ट। ये कॉम्पोस्ट मैंने किचन वेस्ट से बनाया, ये बहुत ही अच्छा कॉम्पोस्ट है। दोस्तों, बारबाडोस चेरी को ग्रो करने के लिए स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए ताकि उसका पीएच लेवल 5.5 से 6.5 के अंदर हो सके। अगर इसका मिट्टी एसिडिक नहीं होगा तो चेरी तो उग जाएगा, लेकिन चेरी का जो मीठा स्वाद है ना, वो नहीं आएगा। और जो गमले आप इस चेरी को उगाने के लिए लीजिए, उसके नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल होना चाहिए। एक ड्रेनेज होल से काम नहीं बनेगा, 2-3 ड्रेनेज होल होना मस्ट है, क्योंकि इस चेरी को वाटरिंग तो पसंद है, लेकिन वेल ड्रेनिंग सॉइल भी चाहिए और वेल ड्रेनिंग पॉट भी चाहिए। मिट्टी को बह जाने से रोकने के लिए मैं हमेशा की तरह विंडो स्क्रीन का यूज़ करूँगा। ये मिट्टी को रोकेगा, लेकिन पानी को ड्रेन होने देगा। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीका नहीं जानेंगे तो नर्सरी से खरीदा हुआ प्लांट को आप बचा नहीं पाएंगे, तो इस वीडियो में मैं उसका भी तरीका बताऊंगा। दोस्तों, नर्सरी के लोग बहुत ही अच्छे सॉइल का इस्तेमाल नहीं करता, वो कोई भी मिट्टी में प्लांट को लगा देता है। उसी लिए प्लांट को जब आप कवर से निकलेंगे तो उसके लिए आपको स्पेशल केयर बरतना पड़ेगा। उसके लिए धीरे धीरे इस प्लास्टिक के रैप से प्लांट को बाहर कर दीजिए। आप चाहते हैं तो आसानी से ब्लेड से भी काट कर सकते हैं। और पॉट के मिट्टी के ऊपर इसको डालने के बाद इसका जो रूट बॉल है उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर दीजिए। प्लास्टिक के रैपर से इस प्लांट को बाहर निकलने के वक्त अगर आप केयर नहीं करेंगे तो इसका सारा रूट खराब हो सकता है। दोस्तों, इसको लगाने के बाद जो ऊपर का मिट्टी है उसको आपको प्रेस करना है ताकि कोई भी एयर पॉकेट नहीं रह पाए। और इसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा पानी दे दीजिए। और पानी देने के बाद इसको सेमी शेडेड एरिया में रखिए। दोस्तों, मैंने जो बताया था ना मिट्टी के बारे में, उसको वेल ड्रेनिंग होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं पानी दे रहा हूँ और पानी देते ही 5-10 सेकेंड में ही सारा पानी नीचे चला जा रहा है। इसको ही वेल ड्रेनिंग सॉइल कहता है। आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, 3 महीने में इसका ग्रोथ देखिए। ये हमारे फर्टिलाइजर और वाटरिंग के वजह से ही है। दोस्तों, जब तक इसके ऊपर फ्लावर्स ना आ जाए, इसके ऊपर हमको वीकली कंपोस्ट ऐड करना है। इसके लिए आप 2-3 चम्मच कंपोस्ट लीजिए और वीक में 1 बार डाल दीजिए। ये कंपोस्ट हमने किचन वेस्ट से खुद बना है। अगर आप भी किचन वेस्ट से आसानी से कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कंपोस्ट यूज़ करने से ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है और इसके ऊपर खूबसूरत सा फ्लावर्स भी आने लगा है। दोस्तों, बारबाडोस चेरी का मिट्टी कभी पूरा सूख नहीं पाना चाहिए, क्योंकि इसका रूट बहुत ही डेलिकेट होता है, वो खराब हो सकते हैं। तो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ ग्रास लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। दोस्तों, ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है जो मिट्टी में मॉइस्चर लेवल को बनाए रखते हैं और पानी को भाप बनकर उड़ जाने से रोकता है। और इसके साथ साथ ये घास धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता जाएगा और मिट्टी में फर्टिलाइजर भी ऐड करेगा और पीएच लेवल भी एसिडिक बनाए रखेगा। 3 दिन तक धूप में सुखाने के बाद ये घास ऐसे दिखेगा और ये मालचिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, नीचे ये घास बिछा देने को मालचिंग कहते हैं। इसके लिए आप घास का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले के छिलके को सुखा कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि बारबाडोस चेरी में आप घास का ही इस्तेमाल कीजिए। केले के छिलके में बहुत सारा पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होगा जो फ्लावर्स और फूड के लिए तो बढ़िया है, लेकिन उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये प्लांट टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए ताकि घास और सूखा पत्ते ही यूज़ करें। दोस्तों, जो बचपन में आप खाना खाते थे, अभी वो एक ही खाना आप नहीं खा रहे हैं ना।
तो प्लान का भी उम्र के साथ साथ डिफरेंट खाना का ज़रूरत होता है, यानी कि फर्टिलाइज़र का ज़रूरत होता है। जब तक इस प्लान में फ्लावर्स नहीं आएगा तब तक तो आप कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर आने के बाद भी आप सिर्फ कंपोस्ट का इस्तेमाल करें तो फ्लावर्स फ्रूट पे नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, वो फ्लावर्स गिर जाएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र डालना है। अगर आप गार्डनिंग के हॉबी में हैं तो कभी ना कभी ये प्रॉब्लम तो आपको हुआ ही होगा कि फ्लावर्स आते हैं प्लान में लेकिन वो फ्रूट्स नहीं बन पाता, तो उसके लिए बनाना पील फर्टिलाइज़र बेस्ट है। और उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स भी आप डाल सकते हैं। अगर ये आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये खाद को आप कोई भी फ्रूट्स और फ्लावर्स के प्लांट में डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है जो फ्रूट्स और फ्लावर्स को खिलने में मदद करता है। ये फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है और इस्तेमाल करना और भी आसान। और इसके ऊपर ये जो फंगस है ना, ये बहुत ही बेनिफिशियल फंगस है। ये मिट्टी को सिर्फ खाद ही नहीं एक फंगस कल्चर भी देता है जो रूट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता। ये खाद को प्लांट के ऊपर डायरेक्ट मत डालिए, इसको 1:2 रेशियो में पानी में मिलाकर डाइल्यूट कर दीजिए। एक पार्ट इस फर्टिलाइजर कर लीजिए और दो पार्ट पानी मिला दीजिए। इसको वीक में एक बार डालना है और सुबह और शाम के वक्त ही डालना है। इसको दोपहर में कभी मत यूज कीजिए। दोस्तों देखिए 2 महीने बाद कितना सारा फ्रूट्स इस पर आ गया है। वैसे तो इस प्लांट को सेमी शेडेड एरिया में रखना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स आने के बाद इसको धूप में सीप कर दीजिए फ्रूट्स को और भी मीठा बनाने के लिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बारबाडोस चेरी से आप एक कमाल का बॉन्साई बना सकते हैं। ये बॉन्साई के लिए बेस्ट आइटम है। इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं, बहुत डेंस बूसी स्ट्रक्चर मिलता है और इसको ब्रांचेस के ऊपर भी आपको ज़्यादा वर्क करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये प्लांट का बॉन्साई बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ अयन फ्रॉम बॉन्साई ट्रिक्स एंड ए लॉट मोर। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बताइए। गुड बाय।